जब एग्जाम चल रहा था, एग्जाम उस समय कितने बजे की घटना आई है? सर ये 6:30 बजे सुबह की घटना बता रहे हैं। 6:30 बजे वो एग्जाम नहीं लिख रहा था, वो मतलब कहने का मतलब आंसर वो लिख के एग्जाम सेंटर में घुसता। 6:30 बजे वो आंसर ही लिख रहा था, समझे? मतलब 6:30 बजे सुबह वो किसी जगह पे बैठ के, वो जो पुल दिख रहा है वहाँ पे पुल, तो पुल दिख रहा है वहाँ पर क्या किया कि वो 6:30 बजे एक जगह बैठ करके आंसर अपने कॉपी में लिख रहा था, एक पन्ने में लिख रहा था। हाँ, तो आप लोग वहाँ से गुजरे, ठीक है, आप लोग गुजरते हुए उसको देखे, यही ना है? अच्छा, सामने सामने हम बैठ रुके हुए थे ना, को डर लगा। तो आप लोग कितने लड़के थे? आप लोग कितने लड़के थे? मात्र दो लड़का ही थे हम लोग, तो दो लड़का थे, एक और लड़का था पता नहीं दूसरा जगह का एरिया का है, उसका नंबर भी हम ले लिए हैं। उसको जो है तो हम लोग जाके पकड़े दो लड़का मिलके, ठीक है। अब जैसे पहले ना वो पेपर फाड़ दिया, जैसे देखने बोले ना पेपर फाड़ दिया, फाड़ दिया तो फिर हम लोग जैसे उसको वीडियो बना लिए, और वीडियो बनाने के वही वीडियो वायरल हो रहा है, हम लोग बनाए हैं वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो वीडियो आप ही लोग किए थे और वो फाड़ा हुआ जितना भी था उसको फोटो आप ही लोग खींचे थे? बताया गिरडी का ही लड़का है, समझे? अच्छा, गिरडी का ही लड़का है बताया। उस लड़के का रोल नंबर वगैरह कोई दिक्कत? यही गलती थी हम लोग का जो ना रोल नंबर पता नहीं कर पाए उसको, वो भाग गया लड़का, फिर जो चल गया उधर, और एग्जाम सेंटर से सोचे कि बाहर निकलते हैं देख लेते कि अगर सत्य है क्वेश्चन, पहले जैसे कैसे प्रोटेस्ट कर सकते थे जैसे एग्जाम देने के वहाँ पर, अगर एग्जाम। आप लोग जो क्वेश्चन पढ़े ये बताओ, वो जो लिखा था वो सब आप लोग पढ़े होंगे? हाँ सर पढ़े, तो एग्जाम सेंटर में हुआ वही सवाल आया, एग्जाम सेम वही आया है, वही आया सेम वही आया, मैं हम 15-16 जब खुद जो है ना देखे ना सेम हम लगाए वही, समझे? जब हुआ तब हमको विश्वास हो गया कि नहीं ये सत्य था, तब जो है हम 4-5 बजे जो है अपना ग्रुप में शेयर किए और वीडियो ले हैं। तो अब यहाँ से अब ये बताओ बाबू, अब खुद एक जिम्मेदार बच्चे हो, ये बताओ कि ये एग्जाम रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, हम लोग रद्द होना चाहिए। तो बस हम आपसे यही एक सलाह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बस हम ये वाला जो बात हमको बोले हो, ये थोड़ा सा आपको कष्ट होगा कि थोड़ा सा प्रशासन के सामने मेरी मौजूदगी में, हम वहाँ पे आपके साथ रहेंगे खड़े, ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा, कोई डराएगा नहीं, कोई धमकाएगा नहीं, बस आपने जो घटना आपके साथ अभी हमको सुनाई ना, यही बात आपको प्रशासन के सामने बोलनी है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, सब साथ रहेगा, आप सुनिए, हम बता रहे आपके सपोर्ट में 2000 लड़का हम खड़ा कर देंगे, हम भी रहेंगे, 2000 लड़का और रहेगा वहाँ पे, अगर आपको डर लगता है तो, ठीक है, हम वहाँ पे आपके आगे खड़े हैं, बस आपको यही वाला बात जो है ना प्रशासन के सामने एक्सेप्ट करना है, बस हम बहुत आप लोग आपके लिए परेशान है कि जो उसको जो बच्चा है उसके बात कर रहे हैं, और बस डरिए मत, ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर रखिए आप, मेरा मोबाइल नहीं, वीडियो हम बना इसलिए नहीं रहे क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू था, इसीलिए लेट हो रहा था, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ से समझो, यहाँ से हम आगे एक्शन इस पे ले रहे हैं, ठीक है, और हम इस पे लगे हुए हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रशासन के सामने जो आप देखे हो वही चीज बोल देना ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, और आपका मोबाइल में किसी भी कीमत में जो फोटो सब खींचे हो सब डिलीट मत करना भूल के भी, हाँ एकदम डिलीट मत करना, क्योंकि फिर बहुत लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आप एडिट करके उसको पोस्ट किए हो, तो एडिट किया हो कि नहीं किया हो आपके मोबाइल फोन से ही पता चलेगा, ठीक है? अच्छा, नहीं, अच्छा ये बताओ कि आप रहने वाले कहाँ गए बाबू? क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेमलाल ठाकुर। प्रेमलाल ठाकुर नहीं, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर हम आपके फ्रेंड से ले लेते हैं, ठीक है, और अभी जो भी हम लोग बातचीत किए हैं हम विस्तार से शाम को एक बार फिर से कॉल करेंगे आपको, और यही वाला थोड़ा प्रशासन के सामने आपको बोलना है, ठीक है? हाँ हाँ, उसका फोन नंबर लिए थे जो वीडियो बनाया? अच्छा अच्छा, चलिए तो ठीक है, उस बच्चे का भी मोबाइल नंबर हमको सेंड कर दीजिए। आपका आवाज कट रहा है बाबू, सुनो ना मेरी बात, हम बोल रहे हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर, उस बच्चे का फोन नंबर हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, हम आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर कर रहे हैं, उस पर्सनल नंबर पे हम लगातार बात करेंगे, और बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं और सारा बच्चा का पूरा समूह जो है आपके साथ है, ये एग्जामिनेशन नकल हुआ है बृहद पैमाने पे, इसको रद्द हम लोग करवा करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल नहीं डरना है, उस बच्चे का भी फोन नंबर हमको दे दीजिए, और अभी हम लोग जो कॉन्वर्सेशन किए हैं, अभी हम लोग जो भी बातचीत किए हैं, ये बातचीत भी हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है, कहीं पे भी डरने की बात नहीं है, है ना, ठीक है? कहीं पे आप लोग नहीं फंसोगे, आप लोग का नाम कहीं पे नहीं आएगा, आप लोग का चेहरा कहीं पे नहीं आएगा, बस पुलिस के सामने आपको गवाही देना है और कहीं आप लोग नहीं दिखेंगे। बाबू आप लोग, मेरा भी कोई नहीं है, आप लोगों का कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, और बस हम लोगों को सबके लिए लड़ना है, और बिंदास आप रहिए, कहीं पे आप लोग फंसेंगे नहीं, ठीक है, ये फंसने वाला क्या है, आप गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, इसमें डरने वाला कोई चीज थोड़ी है, अगर आप नहीं उठाओगे तो फिर वो पैसा दे करके 20-25 लाख रुपया दे करके वो सीट ले लेगा आपका, इसमें डरने वाली कोई चीज थोड़ी है, जिंदगी में कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे मत हटना, गलत दिखेगा कॉन्फिडेंटली बोलो, डर के घुट घुट के जीने से बढ़िया है, ठीक है, शेर की तरह एक दिन जियो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा।